नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज मैं कुछ सीडलिंग्स को जो है उसको रिपोर्टिंग किया, तो चलिए मैं वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। और मैं आज शेयर करूंगा कुछ जो विंटर प्लांट्स का अपडेट, कुछ जो प्लांट्स मैंने पहले ट्रांसफ़र किया था सीडलिंग्स को, उसका क्या अपडेट है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहले ये देखिए कि मेरे मैरीगोल्ड, जो मेरा येलो वाला मैरीगोल्ड कितना अच्छा ये ब्लूम कर रहा है। देख सकते हैं कि दूसरे छात पे जो कि क्रिसेंथेमम वो अभी स्टार्ट हुआ, जो कि धीरे धीरे जो है वो भी खिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तो ये खिलना शुरू कर दिया और बाकी सारे में बड्स भी आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज क्या प्लांटेशन किया वो मैं आपसे शेयर करूँगा और ये भी दिखाऊँगा कि मेरा पिटूनिया में फर्स्ट जो फ्लावर आया है वो कितना अच्छा ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा कलर है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो है कैलेंडुला, तो ये कैलेंडुला जो है आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा छोटा सीडलिंग्स था, तो इसको मैंने ट्रांसफ़र किया। मैं देखिए कितना अच्छा इसका ग्रोथ, कितना अच्छा मतलब ये हेल्दी भी बना है। ये देखिए इसका ये जो है कॉक्सकॉम है, तो मैंने ये जो वेस्ट मटेरियल कोई पुराना जग है देन और कुछ कंटेनर है, इसी में मैंने इसको मतलब मैंने प्लांटेशन किया था। तो ये भी जो आप देख रहे हैं ये भी मतलब कुछ दो दिन तीन दिन पहले जो है इसको मैंने ट्रांसफ़र किया। तो ये देखिए जो पिटूनिया, मैंने एक हफ्ता पहले मैंने इसको ट्रांसफ़र किया था, जो कि हैंगिंग पॉट में है सारे को सारा, लेकिन हैंगिंग पॉट में जहाँ पे मैं इसको हैंग करूँगा वहाँ इतना धूप नहीं आती, इसलिए मैं लगभग सारे जो पौधा जो सीडलिंग्स है मैंने यहाँ पे ही मतलब कहना ज़्यादातर रख लिया, थोड़ा ग्रोथ के लिए, थोड़ा सनशाइन के लिए, जो कि यहाँ थोड़ा सा मतलब जो है अच्छा धूप मिल जाती है। तो दोस्तों ये पिटूनिया जो है देखिए अच्छा, अच्छी तरह इसका अच्छा हेल्थ भी है, अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है। ये जो है देखिए डॉग फ्लावर, ये भी अच्छा मतलब हेल्थ है। देन एस्टर, इसका भी देखिए बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। तो पहले वाला जो पिटूनिया है ये आप देख रहे हैं, ये भी अच्छा मतलब ग्रोथ कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा, इसमें बड्स भी आ चुका है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये केल है जो कि ऑर्नामेंटल कैबेज है। तो ये मैंने जो बॉटल है इसमें मैंने ट्रांसप्लांट किया था, तो करीबन दो हफ्ता हो चुका है। तो दो हफ्ते में देखिए ये इसका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छा चल रहा है। और ये अभी ये अभी जो लीव्स निकल रहा है ये मतलब कलरफुल जो कि निकल रहा है मैं देख रहा हूँ। तो अभी शाम का टाइम है, लगभग सूरज जो है ढल चुका है, तो ऐसे लेट हो गया आज, बहुत सारा प्लांटेशन किया, बहुत सारा काम किया गार्डन का, तो इसीलिए लेट हो चुका है और वीडियो बनाने में भी लेट हो गया। तो दोस्तों देखिए ये जो है दलिया, देखिए दलिया प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा चल रहा है। और पीछे जो है दलिया प्लांट के, ये देखिए ये मैरीगोल्ड, उस दिन पहले इसके ऊपर जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कौन सा मतलब फर्टिलाइजर यूज़ करने से आपका मैरीगोल्ड जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी बनेगा और बुशी बनेगा, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बुशी बना हुआ है ये मैरीगोल्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँगा, ये देखिए ये मॉर्निंग ग्लोरी का, ये देखिए कितना अच्छा इसका ग्रोथ चल रहा है। तो ये बिल्कुल जो है अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको अभी दूसरा मतलब सहारा भी देना है। तो ऐसे दो प्लांट है इसमें, और साथ में देखिए ये साइड ब्रांचेस भी इसमें से निकल गए हैं, और बहुत ही मतलब अच्छा ग्रोथ चल रहा है, बहुत ही अच्छा हेल्दी है। तो चलिए मैं अभी आज कौन सा मतलब प्लांटेशन किया वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाता हूँ, जो पहला पिटूनिया मेरे गार्डन में खिल रहा है, ये देखिए कितना अच्छा कलर है अभी, जबकि ये पूरा खिला नहीं है, तो बहुत ही अच्छा कलर है। तो सारे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो सीडलिंग्स मैंने कुछ जो है अभी ट्रांसफ़र करना बाकी है, क्योंकि फर्स्ट पॉटिंग किया है, तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पॉटिंग का जो है यहाँ इस तरफ रखा हुआ है, और कुछ जो है मैंने ट्रांसफ़र किया, कुछ जो है सारे यहाँ पे मतलब कह रहे हैं उसको रखा हुआ है। तो चलिए मैं आज क्या कौन सा सीडलिंग्स को मैंने ट्रांसफ़र किया मतलब रिपोर्टिंग किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है फ्लॉक्स का सीडलिंग्स है, देखिए ये यहाँ मतलब कहना मैंने जो ग्रो किया था, तो इसी में से जो है चार फ्लॉक्स जो कि थोड़ा अच्छा हेल्दी मतलब ये इसका ग्रोथ थोड़ा अच्छा चल रहा था, तो इसी को निकाल के मैंने आज जो है रिपोर्टिंग कर दिया। तो ये भी बहुत मतलब एक अच्छा फ्लॉरिंग प्लांट है फ्लॉक्स। तो इसका जो सॉइल मिक्सचर दोस्तों मैंने थोड़ा
जो है गार्डन सॉयल, थोड़ा सैंड एंड थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मतलब क्या मिला के मैंने इसको रिपोर्टिंग कर दिया। उसके बाद आगे आगे जो है इसको फिर फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा जैसे इसको ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने आज प्लांटेशन किया। तो ये पुराना एक बाल्टी था, तो इसमें मैंने प्लांटेशन किया। इसका नाम जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक्रोक्लिनियम, ये जो प्लांट है। अब मुझे पता नहीं इसका फ्लावर कैसा है और मतलब क्यों कैसे कितना हाइट में होगा, ये भी पता नहीं है। तो मैंने इसको मतलब आज प्लांटेशन किया। तो चलिए इसको भी मतलब वही है जो कि नॉर्मल गार्डन सॉइल, सैंड और जो कि बर्मी कंपोस्ट मिला के मैंने गार्डन सॉइल बनाया और इसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। तो चलिए मैं और क्या क्या ट्रांसफ़र किया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है पिटूनिया को मैंने कुछ ट्रांसफ़र किया, आज 2-4 पिटूनिया जो है यहाँ ट्रांसफ़र किया। और दूसरा एक ये जो है ये रेसेडा ब्यूटी है। तो ये प्लांट जो है ये भी मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ग्रो कर रहा हूँ। तो ये रेसेडा ब्यूटी जो कि एक मतलब ज़्यादा मतलब विंटर का तो प्लांट है नहीं, तो ये विंटर में थोड़ा बहुत इसमें ग्रोथ होगा और जैसे ही मतलब कहना धीरे धीरे जैसे ही विंटर मतलब ख़त्म होने लगेगा तो इसका ग्रोथ जो है ये अच्छा होगा और मार्च अप्रैल में जाके इसका फ्लावरिंग होगा। तो दोस्तों ये आज का काम किया, लेकिन ये जितने सॉयल है जितना ये है सारे चीज़ को मतलब इकट्ठा करना लेकिन ऊपर चराना, तो ये बहुत सारा जो काम था सुबह से मैंने किया है, जो रिपोर्टिंग किया है, साथ में कुछ जो है और भी काम किया है गार्डन का। तो दोस्तों ये अपडेट और रिपोर्टिंग कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे जो चैनल है गार्डन रूफटॉप उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।